प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात अमेरिका के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी कल दोपहर टेक्सास के ह्यूस्टन पहुंचेंगे, जहां रविवार को हाउडी मोदी कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि ह्यूस्टन की मेगा रैली में बड़े ऐलान हो सकते हैं। टेक्सास के ह्यूस्टन में 22 सितंबर को होने वाले हाउडी मोदी कार्यक्रम में पीएम मोदी 50,000 से ज्यादा भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन यहां के मशहूर एनआरजी स्टेडियम में होगा। 6 दिन की अपनी अमेरिका यात्रा में पीएम मोदी 23 सितंबर को जलवायु परिवर्तन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच होने वाली द्विपक्षीय बैठक में शामिल होंगे। 24 सितंबर को पीएम मोदी की राष्ट्रपति ट्रंप से दोबारा मुलाकात होगी। इसके अलावा पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस के सांसदों से भी मुलाकात करेंगे। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कारोबारियों से भी मिलेंगे। पीएम मोदी गांधी सोलर और गांधी पीस सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। अमेरिका यात्रा के दौरान पीएम मोदी 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। 24 सितंबर को पीएम मोदी को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से नवाजा जाएगा। बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से पीएम मोदी को ये अवार्ड दिया जाएगा। 25 सितंबर को पीएम ग्लोबल बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में 40 बड़ी कंपनियां हिस्सा लेंगी। 27 सितंबर को पीएम मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के 74वें सालाना सेशन को संबोधित करेंगे। इससे पहले पीएम ने 2014 में महासभा को संबोधित किया था। उसी दिन पाक पीएम इमरान खान भी यूएन को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र के किसी भी मंच पर कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाएंगे। उनका फोकस कारोबार और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर होगा। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 27 सितंबर को यूएन के सालाना सेशन में कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे, जिसका भारत की तरफ से करारा और माकूल जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले यूएन में भारत ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के मुद्दे से निपटने के लिए एकजुट होकर कार्य करना होगा। न्यूयॉर्क में अकबरुद्दीन ने कहा कि आतंकवाद की वजह से भारत ने बहुत नुकसान उठाया है। भारत दौरे पर आए मंगोलिया के राष्ट्रपति खल्तमागीन बतुल्गा की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच काफी अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बतुल्गा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगोलिया में महात्मा बुद्ध की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बयान देने वाले नेताओं को नसीहत दी है। नासिक की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि बयान बहादुर नेता, सुप्रीम कोर्ट को इस पर फैसला करने दे। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ हफ्ते से लोग राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद पर बेतुके बयान देकर बाधाएं क्यों पैदा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पुंछ के शाहपुर और केरनी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की और मोर्टार दागे हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ओर से दागे गए 9 जिंदा बम को डिफ्यूज किया। बीते 3 दिन में मेंढर के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों ने भारी गोलीबारी की है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त कश्मीर में 273 आतंकवादी सक्रिय हैं, जिसमें 166 स्थानीय हैं, जबकि 107 पाकिस्तानी आतंकी हैं। घाटी में सबसे ज्यादा 112 आतंकी लश्कर के और 100 आतंकी हिजबुल के हैं। जैश के 59 और अल बदर ग्रुप के 3 आतंकी घाटी में मौजूद हैं। इनमें से 158 आतंकी दक्षिण कश्मीर में, जबकि 96 आतंकी उत्तरी कश्मीर और 19 आतंकी मध्य कश्मीर में आतंकी हमले कर रहे हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए हैं। थरूर ने कहा है कि बालाकोट में हुई सर्जिकल स्ट्राइक में आतंकवादी नहीं मारे गए थे। जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विदेशी मीडिया का हवाला दिया, साथ ही कहा कि बीजेपी को इसका फायदा चुनाव में मिला, जबकि कांग्रेस इसका राजनीतिक लाभ नहीं उठा पाई। यूरोपीय यूनियन संसद की सांसद नीना गिल ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करने पर कुछ सांसदों को आड़े हाथ लिया है। नीना ने आरोप लगाया है कि दुष्प्रचार में आकर कुछ सांसद कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने पर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये लोग गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान ने जो बदलाव किया है और चीन को अवैध तरीके से
पीओके का जो हिस्सा दिया है उस पर चुप क्यों है। बीती रात मुंबई में गैस लीक की शिकायत के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद बीएमसी ने सभी एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। मानखुर्द, चेंबूर, घाटकोपर, कांदीवली और कुर्ला से गैस की बदबू आने की शिकायतें मिली थी, वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तैनात किया गया है। गैस लीक होने के सोर्स का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बाद में मुंबई महानगर गैस लिमिटेड ने कहा है कि अभी तक कोई भी लीकेज सामने नहीं आई है। पश्चिम बंगाल की जाधवपुर यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए बीजेपी सांसद और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो पर हमला किया गया। लेफ्ट समर्थक छात्रों ने बाबुल सुप्रियो पर हमला कर उनके कपड़े तक फाड़ दिए। छात्रों के विरोध को शांत कराने आए वाइस चांसलर के साथ भी बदसलूकी की गई। बाबुल सुप्रियो जाधवपुर यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। बाबुल सुप्रियो के फंसे होने की खबर सुनकर गवर्नर जगदीप धनखड़ जाधवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचे। वो बाबुल सुप्रियो को अपनी कार में बिठाकर ले जाने लगे, लेकिन छात्रों ने उनकी भी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिया। आखिरकार भारी पुलिस बल को बुलाना पड़ा। गवर्नर ने हमले के बाद राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। बाबुल सुप्रियो पर हमले के बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जाधवपुर यूनिवर्सिटी में हिंसक प्रदर्शन किया। गुस्साए छात्रों ने यूनिवर्सिटी में कई जगहों पर आग लगा दी। वहीं आसनसोल में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। सीबीआई ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को ताजा समन जारी कर आज सुबह 11 बजे तक पेश होने को कहा है। शारदा चिट फंड मामले में सीबीआई ने राजीव कुमार की तलाश में कई जगह छापे मारे, लेकिन राजीव कुमार का पता नहीं चला। राजीव कुमार को अंतिम बार सार्वजनिक रूप से शुक्रवार को देखा गया था। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी हेकड़ी दिखाई है। उसने रूस में चल रहे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साझा अभ्यास में अपने सांस्कृतिक दिवस कार्यक्रम में भारतीय दल को न्योता नहीं दिया। ये न सिर्फ कूटनीतिक नियमों का बल्कि एचसीओ के नियमों का भी उल्लंघन है। इस बार भारतीय सेना ने बयान जारी किया है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने पंजाब के कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी है। फिरोजपुर डिवीजन के डीआरएम को मिली चिट्ठी में फिरोजपुर छावनी, बठिंडा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर और फगवाड़ा स्टेशन पर बम से हमला करने की धमकी दी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पंचों और सरपंचों का बीमा कवर 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपए किया जा सकता है। आतंकी धमकियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। पिछले दिनों गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान पंचों सरपंचों ने ये मांग रखी थी। साथ ही 40,000 पंचों और सरपंचों को सरकार ट्रेनिंग भी देगी। एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया भारतीय वायुसेना के नए चीफ होंगे। भदौरिया अभी वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, जो मौजूदा चीफ ऑफ एयर स्टाफ बीएस धनोवा की जगह लेंगे। धनोवा 30 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। नेशनल डिफेंस अकादमी से पास आउट भदौरिया के पास 4,000 से ज्यादा घंटे के उड़ान का अनुभव है। दो राज्यों में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और माना जा रहा है कि इस हफ्ते में कभी भी महाराष्ट्र हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान फिलहाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहां की स्थिति बाकी राज्यों से अलग है। चुनाव आयोग के सूत्रों की माने तो झारखंड विधानसभा की अवधि खत्म होने में अभी 3 महीने से ज्यादा का वक्त है, इसलिए अभी वहां चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होगा। एक हफ्ते के अंदर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और स्वाभिमान पार्टी के नेता नारायण राणे। राणे का दावा है कि इस मुद्दे पर उनके सीएम फडणवीस से बात हो चुकी है। साथ ही बीजेपी शिवसेना के बीच गठबंधन पर तकरार को आपसी मसला बताया है। एनसीपी नेता शरद पवार ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। लातूर में पार्टी के एक कार्यक्रम में कहा है कि फडणवीस को नींद में भी शरद पवार दिखते हैं। मराठवाड़ा के दौरे पर पहुंचे पवार ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को भी नहीं बख्शा। एमपी के सियासी गलियारे में भूचाल लाने वाले हनी ट्रैप मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि हनी ट्रैप के मामले में पकड़े गए 2 आरोपियों के तार कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की आपसी गुटबाजी का नतीजा बताया है।
इंदौर में हनी ट्रैप मामले में गिरफ्तार पांचों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इन आरोपियों में एक पुरुष और चार महिलाएं शामिल हैं। इन लोगों पर कई राजनेताओं और अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाने का आरोप है। एमपी की सियासत को हिलाकर रख देने वाले इस मामले में अब भी जांच जारी है। पश्चिम बंगाल में अभी एनआरसी की मांग भर उठी है, लेकिन राज्य में बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं। उत्तर दिनाजपुर जिले में राशन कार्डों में अपना नाम शामिल करवाने के लिए बीडीओ दफ्तर के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की तस्वीरें हैं। एनआरसी लागू किए जाने की चर्चा भर से लोग बैरकपुर बीडीओ ऑफिस के बाहर जमा हो गए। नतीजतन दफ्तर के कर्मियों की मुश्किलें बढ़ गईं। ये लोग राशन कार्ड में सुधार कराने के लिए लाइन में लगे हुए थे। वहीं यहां पर ऐसे लोग भी थे जो एनआरसी लागू करने के पक्ष में थे। इनका कहना है कि अवैध तरीके से आए लोग यहां पर आबादी बढ़ा रहे हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तय वक्त से पहले ही करतारपुर कॉरिडोर का काम पूरा होने का भरोसा जताया है। अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ डेरा बाबा नानक पहुंचे कैप्टन ने ये बात कही है। दौरे के दौरान सीएम ने कॉरिडोर पर चल रहे कामों का जायजा लिया है। दिल्ली में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को छोड़ने के बाद अलका लांबा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने चांदनी चौक से विधायक अलका लांबा की सदस्यता रद्द करने का फैसला किया है। अलका लांबा की सदस्यता रद्द होने का फैसला 6 सितंबर से लागू होगा। 6 सितंबर को ही अलका लांबा कांग्रेस में शामिल हुई थी। लॉ कॉलेज की छात्रा का यौन शोषण करने के आरोप में घिरे चिन्मयानंद को लखनऊ के KGMU रेफर किया गया है। गुरुवार दोपहर को चिन्मयानंद के पेट में दर्द हुआ था। चिन्मयानंद डायबिटीज बीपी के अलावा कुछ और पुरानी बीमारियों से पीड़ित हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एनसीपी के एक नेता की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। नरेंद्र भूषाणे नाम का ये नेता यहाँ पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर भी है। इस कोऑपरेटिव में काफी लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से गुस्साए लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। अयोध्या के तपस्वी छावनी में राम मंदिर निर्माण की बाधाओं को दूर करने के लिए सनातन धर्म संसद के संतों ने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। सनातन धर्म संसद में राम मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा भी की गई। इस आयोजन में कई जाने माने संतों ने हिस्सा लिया। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। CLP लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर के बीच टकराव फिर से दिखा है। पत्रकारों के एक सवाल पर अशोक तंवर ने कहा है कि हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के कार्यक्रमों की ना तो उन्हें कोई जानकारी होती है और न ही उनको कार्यक्रमों में बुलाया जाता है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को पुलिस में भर्ती होने का अच्छा मौका मिलने जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस में 8500 से ज्यादा पदों पर बंपर भर्ती होगी। इसमें लेडी कांस्टेबल से लेकर SPO तक के पद शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने इन भर्तियों के लिए भर्ती बोर्ड बनाने का आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब राज्य के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। राज्य का हेल्थ डिपार्टमेंट जल्द ही जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना लागू करेगा। अब तक राज्य में हेल्थ सेंटर काफी धीमी रफ्तार से चल रहा था। इस योजना के शुरू होने के बाद जम्मू के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। यूपी में वाराणसी, प्रयागराज, गाजीपुर, फतेहपुर और बाराबंकी में लगातार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। गंगा और यमुना नदी के उफान से प्रयागराज में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, तो वहीं गाजीपुर में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के वाराणसी में गंगा उफान पर बह रही है, जिससे गंगा का पानी यहां के कई रिहायशी इलाकों में घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों को अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटते वक्त जिलाधिकारी छत से नीचे गिर पड़े। हादसे में NDRF का एक जवान भी घायल हो गया है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में पटाखों के एक स्टोर में आग लगने से 3 लोग घायल हो गए। हादसा यहां के बोबीली इलाके में हुआ। धमाके में 3 घर और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। हरियाणा के फरीदाबाद की गांधी कॉलोनी में मामूली कहासुनी में 2 पड़ोसी परिवारों के बीच खूनी झड़प हुई है। इस दौरान एक परिवार के 5 लोगों की बुरी तरह डंडों से पिटाई की गई। पिटाई की ये पूरी वारदात CCTV में रिकॉर्ड हुई है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 37वीं बैठक आज गोवा में होगी। बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में डायमंड इंडस्ट्री और 5-स्टार होटल इंडस्ट्री को राहत दी जा सकती है। वहीं बिस्किट और टीवी की जीएसटी दरों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में ऑटो सेक्टर को किसी भी तरह की राहत मिलने की उम्मीद कम जताई जा रही है। काउंसिल की फिटमेंट कमेटी ऑटो सेक्टर पर जीएसटी घटाने के पक्ष में नहीं है। कमेटी को आशंका है कि ऑटो सेक्टर में जीएसटी कटौती करने से राजस्व को बड़ा नुकसान हो सकता है। नेशनल हाईवे के लिए जमीन देने वाले किसानों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 3J को असंवैधानिक बताया है। धारा के तहत प्रावधान था कि नेशनल हाईवे के लिए ली गई जमीन में भूमि अधिग्रहण कानून लागू नहीं होगा। भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पूनिया ने कजाकिस्तान में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना टिकट पक्का किया है। तो वहीं पहलवान रवि दहिया ने भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है।